प्लीज ब्लेस अस महाराज. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhu. So, we're on chapter, we're on the 11th canto, the Brahmana from Avanti Desh. Yes, Maharaj. What's Avanti Brahma. which verse number? 15 to 19, Maharaj. Oh, 15 to 19. Okay, thank you. Okay, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiret Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. Okay, so we're reading this chapter 23 of the 11th canto, the story of the Brahmana from Avanti Desh, beginning text number 15. तो हम पढ़ रहे हैं 23वां श्लोक अध्याय से 11वें स्कंद से श्लोक 15 से. स्वप्निल प्रभु मैं पढूं श्लोक? यस प्रभु, यू कैन प्रभु. हरे कृष्णा. प्रायेणार्था कदर्याणां न सुखाय कदाचन. You want to read the verses, Nanda Kishore Prabhu? सॉरी सॉरी महाराज. यस महाराज, यू कैन रीड द वर्स, देन वील रीड द हिंदी ट्रांसलेशन एंड पर्पट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Yes, Hare Krishna. Can you hear me, Prabha? यस महाराज. Some problem here with our Zoom. I don't know what's wrong. The connection seems to be very weak. ओके ओके महाराज. So, यू या can you read the verse or you want me to read them? So, इधर वेज महाराज. go ahead, you read them. ओके. प्रायेणार्था कदार्याणां न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च. शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा. प्रायेण सामान्यतया अर्थाः संपत्ति की वस्तुएं कदर्याणां कंजूसों की नह नहीं सुखाया सुख के लिए कदाचना किसी समय यह इस जीवन में च दोनों आत्मा अपना उपतापाय कष्ट पहुंचाने के लिए मृतस्य तथा मरे हुए का नरकाय नरक की प्राप्ति में च तथा सामान्यतया कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती. इस जीवन में उनका आत्म पीड़न करती है और उनके मरने पर उन्हें नरक भेजती है. कंजूस व्यक्ति करणीय धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भी अपना धन खर्च करने से डरता है. वह ईश्वर तथा लोगों को अप्रसन्न करके नरक जाता है. प्रभु 15 से. यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्या ये गुणिनाम गुणाः लोभ स्वल्पोऽपि तान् हन्ति श्वित्रो रूपम इवेप्सितम्. यशः यश यशस्विनाम सुप्रसिद्ध व्यक्तियों का शुद्धम शुद्ध श्लाघया
प्रशंसनीय ये जो गुणिना गुणवानों के गुणाह गुण लोभ लालच सुअल्पह थोड़ा अपि भी ताना उनको हंती नष्ट करता है। श्वित्रह श्वेत कुष्ठ रूपम शारीरिक सौंदर्य इव सहस ईप्सितम मोहक। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध प्रसिद्धि होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण रहते हैं वे किंचित किंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंचमात श्वेत कुष्ठ से नष्ट हो जाता है। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास त्रासश चिंता भ्रमो नृणाम। अर्थस्य संपत्ति के साधने कमाने में सिद्धे उपलब्धि में उत्कर्षे वृद्धि में रक्षणे रक्षा करने में व्यये खर्च में नाश हानि में उपभोगे तथा उपभोग में आयासः श्रम त्रासः भय चिंता चिंता ब्रह्मः भ्रम नृणाम मनुष्यों के लिए। सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई प्राप्ति वृद्धि रक्षा व्यय हानि तथा उपभोग में महान श्रम भय चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। तो वो अगला भी है यस ये प्रभु, अप टू प्रभु। वर्स 19। ओके। स्थेयम् हिमशान्त्राम् दम्भः कामः क्रोध स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्च दशानर्था हि अर्थ मूला मता नृणाम तस्मादनर्थम अर्थाक्यम श्रेयोर्थी दूर तस्त्यजेत। स्थेयम् चोरी हिंसा हिंसा अंतितम असत्य भाषण दंभ दुहरा बर्ताव कामः काम विषय वासना क्रोधः क्रोध स्मयः चिंता मदः घमंड भेदः भेदभाव वैरम शत्रुता अविश्वासः विश्वास की कमी संस्पर्धा बराबरी होड व्यसनानी खतरे स्त्री जुए तथा नशे से उत्पन्न च तथा एते ये पंचदश पंद्रह अनर्थाः अवांछित वस्तुएं ही निसंदेह अर्थमूलाः संपत्ति पर आधारित मताः विख्यात है नृणाम मनुष्यों द्वारा तस्मात इसलिए अनर्थम अवांछित अर्थाक्यम वांछित कही जाने वाली संपत्ति श्रेयार्थी जीवन का चरम लक्ष्य चाहने वाले दूर से ही त्यजेत छोड़ दो। चोरी हिंसा असत्य भाषण दुहरा बर्ताव काम क्रोध चिंता गर्व झगड़ा लड़ाई
शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये यद्यपि दुर्गुण हैं, किंतु लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। किसी का माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। इसीलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना है, वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। अनर्थम अर्थाक्यम शब्द अर्थात अवांछित संपत्ति उस संपत्ति के सूचक हैं जिसे भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। ऐसे फालतू धन या संपत्ति से मनुष्य में उपयुक्त दुर्गुण आ जाते हैं, अतएव इसका परित्याग करना चाहिए। यस महाराज, श्लोका जाना। महाराज, यू हैव टू अनम्यूट। महाराज, इट्स ऑन म्यूट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वी आर हियरिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ दिस ब्राह्मण फ्रॉम अवंती देश। आफ्टर ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज वेल्थ, ही रियलाइज्ड हिज फूलिशनेस, and he realized how greedy he had been. तो हम हालत सुन रहे हैं उस अवंती देश के ब्राह्मण की, जिसने बहुत धन कमाकर फिर सब कुछ खो दिया था। तो यहाँ पर वो अपनी बेवकूफी के बारे में बता रहा है कि कितना लालची वो रह चुका था। So this Brahmana was a very miserly person. He had so much wealth, but he never used it. He didn't like to use it. He didn't give it anything to his family. He didn't take care of his family or his servants. So when he lost all of his money, everybody left him. Nobody cared for him. Everybody rejected him. तो ये ब्राह्मण, हालांकि उसको इतना धन था, जब उसको बहुत धन था उस समय वो बहुत कंजूस था। वो अपने परिवार के लिए, किसी और के लिए, अपने नौकरों के लिए थोड़ा भी धन खर्च नहीं करता था। तो जब वो इस स्थिति में आ गया, सबने उसको नकार दिया। So, after he lost all of his money, then he reflected on his position for a long time, and he remembered his pious nature, which he had actually had in the beginning of his life. तो जब उसने इस जब प्रकार उसने इस अपना प्रकार अपना धन खो दिया, खो दिया, तब वो सोच रहा था अपने पहले के समय के बारे में, और उसने अपने उस उसका जो वो स्वभाव था पहले, जो उसका अच्छा स्वभाव था, शुद्ध स्वभाव था जीवन के शुरुआत में, उसके बारे में वो सोचने लगा। So in the verses which we have read this morning, we are hearing about the dangers of having greed for wealth. तो ये जो श्लोक हम इस सुबह सुन रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है क्या खतरा हो सकता है अगर हमको धन की लालच हो तो। We know from Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how there are three gates to hell: lust, anger and greed. And every sane man is advised to avoid these things. भगवद गीता से हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि कैसे नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, और हर बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों से बचना चाहिए। And here, the final verse which we read today talks about undesirable wealth, which means wealth, money, or it could also mean property, which is not
properly used in the service of the Lord. तो यहां पर आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अवांछनीय धन उसके बारे में बात हो रही है. तो ये धन संकेतित करती है या तो वास्तविक धन से या संपत्ति से जो भगवान की सेवा में न लगाई जाए. And we're told that if we have that kind of money or we have that kind of property, which due to circumstances we're not able to use it in the service of Krishna, then it's very dangerous because we can, as a result of that, as a result of possessing that wealth, all the these 15 undesirable qualities will all come and contaminate the person. तो अगर हमें इस प्रकार से धन है और संपत्ति है और किसी कारण हम उसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं तो ये बहुत खतरनाक है. और इस श्लोक में जो 15 अवांछनीय गुणों का अवगुणों का लेखन दिया गया था इस श्लोक में, ये हमको अवगुण लग जाएंगे और हमें दूषित कर देंगे. So greed, when our material, because of lust, you see the initiating cause of all problems is lust, the desire to enjoy. And when we satisfy our material desires, then we become greedy for more. तो देखिए, इस सब की शुरुआत होती है काम वासना से. और जब हमको काम वासना के कारण भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है और हम उस काम वासना को पूरा करते हैं तो हम उस काम वासना को पाने के लिए और अधिक लालची हो जाते हैं. When our material desires are not satisfied, then we become angry and out of frustration of not being able to satisfy our desires. तो अगर हमारी भौतिक इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि हम उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. So lust is a danger, and we know from Bhagavad Gita that lust burns like fire and is never satisfied. तो काम बहुत खतरनाक चीज है और हम भगवद गीता से जानते हैं कि काम वासना अग्नि की तरह जलती रहती है और कभी संतुष्ट नहीं होती. So this Brahmana from Avanti Desh, he had lust, he had a lot of lust, but he was able to get a lot of wealth. He became rich. But the more wealth he got, the more he wanted. He was never satisfied. He wanted to always have more and more wealth, and he would not spend any of the wealth. He never used his wealth. तो इस अवंती देश के ब्राह्मणा के जीवन से हम देख सकते हैं कि इसके पास इतनी काम वासना थी अमीर होने के लिए और धनी होने के लिए, और उसको जितना अधिक धन मिलता गया उसको धन पाने की इच्छा और बढ़ती गई. हमेशा उसे और चाहिए होने लग चाहने की इच्छा आती गई और वो इस धन को कभी सही तरीके से उपयोग भी नहीं करता था, उस धन को किसी की सेवा में कभी लगाता भी नहीं था. So in course of time, by the will of the Supreme Lord, this Brahmana lost all of his wealth. And then, of course, he was really devastated. He was brokenhearted. It was very painful for him. But he reflected on it for a long time, and he became renounced. So, यहाँ पर कुछ समय के बाद ये ब्राह्मण जो है वो भगवान के व्यवस्था के अनुसार से इसने अपने पूरा धन खो दिया और धन खोने के साथ साथ वो पूरी तरह तबाह हो गया और उसका हृदय भी टूट गया. तब उस समय वो अपने
अंदर सोचता है अंदर से और अपने जीवन के ऊपर दर्शाता है, और इस प्रकार सोचने के कारण वो काफी त्यागी बन जाता है। So we've been reading today these four verses which describe the problems with being greedy and how so many bad qualities come on account of this greed for wealth is especially prominent among people today. People are also greedy. They want to get more and more wealth. And they're never satisfied, even though they may have a lot of money. तो यहाँ पर इस श्लोक में बात की जा रही है, क्या समस्या होती है उस व्यक्ति को जो धन के पीछे लालची होता है। और आज के समय में हम देखते हैं अधिकतर लोग धन के पीछे लालची हैं, और अधिक धन चाहिए उनको, और कितना धन पाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं, हालांकि वो काफी धन कमा लेते हैं तो भी संतुष्ट नहीं होते हैं। I remember a long time ago, I was meeting people in Hong Kong who were businessmen doing business in Hong Kong. And I met this young man. He told me, he said he just made $1 million out of his business. And he said to me, he said, you know, he said, after I made $1 million, I immediately thought, I want to make another million. तो मुझे स्मरण आ रहा है कि काफी समय पहले मैं हांगकांग में था, और वहां पर जो व्यापारी थे उनसे मुलाकात कर रहा था। तो मुझे एक जवान व्यक्ति मिला, जवान व्यापारी, और उसने मुझे कहा कि हाल ही में मैंने $1 million कमा लिया है। और फिर उसने कहा कि अब जो मैंने 1 मिलियन कमा लिया, तुरंत मैं सोचने लगा कि मैं अगला मिलियन कैसे कमाऊंगा। So this is the nature of greed, that you never get enough, you're never satisfied. And because of that greed, then so many other bad qualities come. As we've read, there are 15 different qualities, all undesirable qualities, which come upon people because of their greed. तो इस प्रकार से ये लालच का स्वभाव ही ऐसा होता है कि कभी हमको लगता नहीं है कि बस अब काफी है, इतना काफी है। नहीं, लालच के कारण हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। और यहाँ पर जो 15 अवगुण लिखे हैं, ये हम में उत्पन्न होने लगते हैं इस लालच के कारण। So we want to understand the danger of material wealth, how it creates this kind of greed in people. The more they have wealth, the more they want wealth. They want to have more and more. They never have enough. तो ये भौतिक धन, भौतिक संपत्ति का प्रभाव ऐसे ही होता है कि जितना हमको ये अधिक चाहिए, और फिर हमको अधिक होता जाता है ये धन, तो फिर हमको और अधिक धन चाहिए रहता है, और फिर धन प्राप्त होता है, फिर और अधिक धन चाहिए होता है। तो कभी ये व्यक्ति कहता नहीं है कि अब ये काफी हो गया। So Lord Chaitanya also says in his Shikshastikam, Nadanam Najanam Nasundarim, he says, I have no desire to accumulate wealth. Lord Chaitanya, of course, is pointing out the danger of these things, how they keep us in the bondage of the material world. तो भगवान चैतन्य भी शिक्षाष्टकम में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरम। तो वो भी इन चीजों का खतरा बता रहे हैं कि उनको ये धन और सुंदरी और जन्म की कोई इच्छा नहीं है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि ये सब हमें इस भौतिक जगत के बंधन में बांधे रखती हैं। And especially where our attention is brought to this
this aspect of having undesirable wealth, that a person possesses something, property and money, but there's no way he could ever use it in Krishna's service because maybe other people are involved and the other people are not devotees and they won't agree. And so he, because it's so wealth, because it's so much wealth, he becomes very attached to it, but it has no connection to Krishna. So this is very bad for our consciousness. तो यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि इसमें एक पहलू यहाँ पर यह होता है कि अवांछनीय धन, जो धन वांछनीय ना हो, व्यक्ति को इस प्रकार अवांछनीय धन प्राप्त होता है और वो इसको किसी तरीके से कृष्ण की सेवा में नहीं लगा पाता, क्योंकि उसके साथ और लोग भी जुड़े हुए होते हैं और शायद वो और लोग जो उसके साथ जुड़े हुए हों वो भक्त नहीं होते, तो वो इस बात को मानते नहीं है कि वो व्यक्ति अपना धन भगवान की सेवा में लगाए। तो हालांकि उसके पास इतना धन होता है, परंतु वो उसको भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, तो इस प्रकार का धन होने के कारण उसकी चेतना बिगड़ जाती है। Yeah, to give an example, somebody may have, there may be a big property, a family property, but the family property is owned by all the brothers and sisters. And when the father dies, all the property is shared by the brothers and sisters, but there's no way you could divide up the property. It all belongs to each of the brothers and sisters. They each have a share. But they're not able to divide the land up. They can't do anything with it. And so it's a burden. It becomes an attachment. We're thinking it's worth so much, but you're not able to use it. You can't take it for yourself. You can't take it and use it for Krishna's service. So it's very polluting because one thinks, I have this wealth, this is mine. But you cannot use it for Krishna's service, so it's useless. तो एक उदाहरण इसके विषय में दिया जा सकता है कि एक व्यक्ति होता है और उसको पारिवारिक रूप से संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो संपत्ति सब भाइयों और बहनों की होती है। तो पिता के मर जाने के बाद वो चाहते हैं कि उसका बंटवारा करें, परंतु वो जो जमीन होती है, जो संपत्ति होती है, उसका बंटवारा नहीं हो पाता क्योंकि वो सारे भाइयों बहनों की है। तो हर कोई अपना भाग उसमें से चाहता है, लेकिन वो बंटवारा नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की संपत्ति एक बोझ बन के रह जाती है, क्योंकि सभी बच्चों को उसके प्रति आसक्ति होती है, ओ ये संपत्ति इतनी कीमती है, इसका आज की तारीख में इतना कीमत है, लेकिन वो एक आसक्ति बन के रह जाती है क्योंकि कोई भी उसको ले नहीं सकता, कोई भी उसको कृष्ण की सेवा में लगा नहीं सकता। तो ये उनकी चेतना को दूषित करती रहती है, बस सब सोचते रहते हैं हाँ इतना भाग जमीन का मेरा है, परंतु वो उसका उपयोग नहीं कर सकते भगवान की सेवा में, तो इसलिए वो संपत्ति बेकार ही रह जाती है। So these 15 qualities are described as undesirable, which come, the 15 contaminations which come because of greed for wealth, they're undesirable. But materialistic men, common men, they value them. They think these are actually good things, to be able to steal and to be able to speak lies and cheat people and to get angry. They think these are good things. They enjoy it. They don't feel any shame. तो यहाँ पर जो ये 15 अवगुण लिखे जा रहे हैं, 15 तरीकों से जो हमारी चेतना दूषित होती है, ये भी अवांछनीय है, इनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। परंतु आधुनिक समाज में हम देखेंगे तो आम व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि ये तो अच्छे गुण हैं, ये तो हमको इन इन प्रकार के
गुणों की हमको इच्छा होनी चाहिए, वो इन इन अवगुणों को ज्यादा मूल देते हैं, वो सोचते हैं ये अच्छी बातें हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, गुस्से में आना, वो सोचते हैं ये सब अच्छी चीजें हैं, और इस प्रकार इनका भोग करने के लिए वो तैयार होते हैं, और बिल्कुल भी इनको शर्म नहीं होती है कि ये तो अवगुण है। So we're if we want to get the real benefit of life, we have to be very careful not to be greedy, not to cultivate any greed for any kind of wealth. तो अगर हमको जीवन का असली लाभ चाहिए तो हमको सावधान रहना है कि किसी भी प्रकार के धन के प्रति लालच न करें। We're trying to clean the heart. So the chanting of the holy names is very powerful. By chanting the holy name, it helps us to awaken our pure consciousness. तो हम हृदय को साफ करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। भगवान का नाम हमको चेतना को शुद्ध करने में सहायता करता है। And so as devotees, we have to have some money, we have to have some wealth to maintain our life. So we're not saying you have to give up all money, but we say don't be too much attached to accumulating more than necessary. तो भक्त होने के नाते हमको भी जीवन यहाँ पर बिताना है, कुछ जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए धन होना आवश्यक है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारा धन इकट्ठा करने के लिए लालची मत हो और बहुत सारे धन पाने के लिए आसक्त मत हो जाओ। As Srila Prabhupada recommends wealthy men that when they retire, they should give half of their wealth for the service of the brahmanas and the devotees. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो धनी व्यक्ति हैं, जब वो भौतिक कार्य से निवृत्त हो जाएं, तब उनको अपना आधा धन जो है उसका उपयोग करना चाहिए भक्तों और भगवान की सेवा में। And there are many devotees who do like that at the point of retirement. But of course, we have the example of Rupa Goswami. He set the example. He gave half of his wealth, which was a huge amount. It could fill a boat, and he gave half of his wealth for the service of the Vaishnavas and Brahmins. तो हमको इस विषय में कई उदाहरण हैं, विशेष करके श्रील रूप गोस्वामी जब वो भौतिक कार्य अपने भौतिक कर्तव्य को छोड़ रहे थे, उस समय उनके पास काफी धन था, एक नाव भरी थी सोने के सिक्के से, और उन्होंने उसका आधा दे दिया था भक्तों और भगवान की सेवा के लिए। And then 25% he gave for his own family, and he kept 25% for emergencies. और 25% उन्होंने अपने परिवार को दे दिया, और बाकी जो 25% बचा उसको अपने जीवन में कोई आपातकालीन स्थिति आए उसके लिए बचा के रखा। So that's one nice example, ideal example of how to use your wealth. So that you don't become too much overly attached to it. तो एक अच्छा उदाहरण है कैसे अपने धन का उपयोग करें ताकि आप उससे अधिक आसक्त ना हो जाएं। We should understand all wealth actually belongs to Krishna. It's all his, and so it's all meant for his service. हमें समझना है कि पूरा धन वास्तव में कृष्णा का है, तो उसको कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। So if we remember that and act on that principle, then we'll be able to protect ourselves from greed. तो अगर हम इस बात को याद रखेंगे और इस सिद्धांत पे ही जीवन बिताएंगे, तो हम अपने आप को लालच से बचा के रख सकेंगे। So we'll stop and ask if there's any questions or comments. तो हम रुकेंगे और पूछेंगे अगर किसी की कोई टिप्पणी है या प्रश्न है।
थैंक यू महाराज, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काम और क्रोध के बीच का जो संबंध है वो बताया कि कैसे हमारी इच्छाएं जो हैं वो काम वासना को से संबंधित है, और उसी काम वासना के तृप्ति और अतृप्ति से हमको थोड़ा आनंद या क्रोध आता है। आपने ये भी बताया कि लालच जो है वो ये सारे जो अवगुण 15 गिनाए गए इन श्लोकों में वही जड़ है सभी समस्याओं की, और खासकर धन के प्रति जो हमारी आसक्ति है उससे हम अगर असंतुष्ट रहते हैं तो वो जितना भी मिले वो कम रहता है। आपने ये अंत में बताया कि अवांछनीय जो संपत्ति है या जो धन है वो अपने अपने को तो उद्विग्न करता ही है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में नहीं उसका उपयोग किया गया तो हमारी चेतना को भी वो मलिन करता है। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए एक संपत्ति का, परिवार पैतृक संपत्ति के बारे में जैसे आपने बताया, तो हम सब भक्तों को इससे सीखना है कि ये जो अवगुण हैं 15 जो गिनाए गए हैं इसमें वो सारे सारे के सारे हमारी लालच जो है इस भौतिक धन के प्रति, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं उसका उपयोग किया गया है तो हमको वो हमारी चेतना को भी मलिन करती है, हमारा सर्वनाश भी करती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, फुल ऑफ मर्सी फॉर अस डिवोटीज। थैंक यू महाराज। आई हैव अ क्वेश्चन। देर इज अ टर्म यूज एज लाई टेलिंग, असत्य भाषण। सो इट जस्ट मीन्स प्योर ओनली लाइज और इट हैज मच मोर डीपर मीनिंग महाराज? हरे कृष्ण। Love speaking lies. The translation, Nandakishore. यस, तो महाराज को प्रश्न पूछ रहे हैं स्वप्निल प्रभु के। एक कहावत है, झूठ बोलना। तो प्रभु प्रभु आप पूछ रहे हैं, उसका मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझा प्रभु। आई वॉज आस्किंग कि स्पीकिंग लाइज इज जस्ट स्पीकिंग लाइज और इट हैज अ डीपर मीनिंग? तो प्रभु पूछ रहे हैं कि झूठ बोलने का अर्थ है केवल सामान्य रूप से झूठ ही बोलना, या उसका कोई और गहरा अर्थ छुपा होता है। Yeah, speaking lies could mean many things. Often people in business, doing business, they're fond of lying. They will tell lies. The shopkeeper will speak lies. Even the shopkeeper will tell the customers, "For you, I'm making no profit. I'm giving you the best price." तो महाराज कह रहे हैं कि झूठ बोलने का बहुत अर्थ निकलता है। तो जैसे कि व्यापारी व्यक्ति भी झूठ बोलते हैं अपने ग्राहकों से। वो अपने ग्राहकों से कहेंगे, आपसे ये जो मैं बेच रहा हूँ इसमें मुझे कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको मैं बस कीमत में ही दे रहा हूँ। Sometimes people speak lies to flatter other people. They will praise them. They will speak words of glorifying them and praising them to get some material benefit from them. कभी कभी लोग झूठ बोलेंगे दूसरों को चापलूसी करने के लिए। हाँ, वो उनकी चापलूसी करेंगे ताकि उनको उनसे कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो सके। But it's more common in business practices that people will speak lies with the customers or with their partners. They may lie and cheat each other to get more material wealth, to increase their own material profit. तो विशेष करके आ, आ, व्यापारियों के बीच में देखा जा सकता है कि वो एक दूसरे को बहुत झूठ बोलेंगे, धोखा करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि और भौतिक फायदा एक दूसरे से निकाल सके। We see in the Kali Yuga, there's a lot of lying goes on. People, general or common people, they're not very truthful with each other. They will tell a lot of lies to each other. तो हम कलयुग में देखते हैं विशेष करके बहुत झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। लोग एक दूसरे से सत्य नहीं बोलेंगे, एक दूसरे को बहुत झूठ बोलते रहेंगे। It's rare for people to speak the truth.
Speaking truth, that is the mode of goodness. But speaking lies, this is a passion and ignorance. तो बहुत दुर्लभ है सत्यवान व्यक्ति, तो सत सत्य बोलना ये लक्षण है सतोगुण का, और झूठ बोलना ये तो लक्षण है रजो और तमोगुण का। And so here in this case, that this speaking lies, this is one of the 15 qualities which contaminate people because of greed for wealth. So because of the greed for wealth, people are they're speaking these lies so that they can get more wealth, that they can increase their wealth. तो ये जो हम 15 अवगुण यहाँ देखे हैं, ये लोग अपनाते हैं और धनी होने के लिए, और उसमें से ये एक होता है झूठ बोलना, और लोग इसलिए झूठ बोलते हैं ताकि वो अपना धन और बड़ा कर सके। So I this speaking lies is with that in mind, that by speaking these lies, by telling some saying something which is not true, you will get more money, you'll be able to increase your material wealth, and your greed will be satisfied. तो उनको ऐसा लगता है कि यदि हम झूठ का सहारा लेंगे, झूठ बोलेंगे, तो अपने पैसे और धन और भौतिक संपत्ति को और बढ़ा सकते हैं और हमारी लालच को संतुष्ट कर सकते हैं। But of course, that satisfaction will never last long. It'll be very temporary. You get some money, and then you want more, you want more. We want to increase more and more. परंतु बेशक वो संतुष्टि पैसे से ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, वो अस्थाई है। जैसे ही आपको ज्यादा पैसा मिल गया, फिर तुरंत आपको लगेगा, ओ अभी तो मुझे और पैसा मिलना चाहिए, और पैसा मिलना चाहिए। And then finally, as happened to the Brahmana from Avanti Desh, you lose all your money. And when all the money's gone, then you're helpless. और अंततः ऐसा होता है जैसा अवंती देश के ब्राह्मण के साथ हुआ, कि वो अपना सारा पैसा खो बैठता है, और जब हम अपना सारा पैसा खो बैठते हैं, तब हम बिल्कुल एक दर्दनाक और असहाय स्थिति में आ जाते हैं। There was this one businessman in Hong Kong, Chinese businessman. He was manufacturing toys, and he had a huge contract to ship toys to America. He had a big shipment which went to America, you know, filled a cargo ship, all his toys. But when the toys got to America, when they checked them, they rejected all his toys because the paint. The paint was all, it was like, they rejected because the paint had some poison in it, and they considered it to be very harmful to the health of people, to the health of the children. So the government banned all the toys, and they all had to be thrown away. So the man lost all of his wealth, and he ended up killing himself. He couldn't live because he lost all his money. He committed suicide. तो हांगकांग में एक व्यापारी था, तो ये व्यापारी चीन से था, तो इसको व्यापार था खिलौने बनाने का, ये इसका बड़ा कारखाना था इस व्यापारी का, और ये खिलौने बनाता था। तो एक बार इसको इस व्यापारी को अमेरिका में बेचने के लिए एक बहुत बड़ा काम मिला, कि अमेरिका में भारी संख्या में वो ये खिलौने बनाए और उनको बेचे। तो ये बहुत बड़ा काम था इसके लिए, बहुत पैसे कमाने वाला था इसमें। लेकिन जैसे ही उसने अमेरिका ये खिलौने भेजे, तो अमेरिका में उन्होंने इस खिलौने को आने को मना कर दिया, क्योंकि उस खिलौने पे जो रंग लगाया हुआ था वो बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक साबित हुआ था। तो इस प्रकार से इसको जो ये काम मिला था, इतना बड़ा काम मिला था खिलौने पहुंचाने का, इसको रोक दिया गया, और उसके काफी धन की नुकसान हो गया इस चक्कर में। तो उस चीनी व्यापारी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान वो सह नहीं पाया।
So that's what happens with too much greed. It can end in suicide. तो ये होता है जब हमको बहुत लालच होती है, अंत में आत्महत्या तक पहुंच सकते हैं। So it's very important for us to cultivate some detachment from the material energy. तो इसलिए महत्वपूर्ण है हम भौतिक शक्ति से अनासक्ति विकसित करें। Okay, Hare Krishna. हरे कृष्णा महाराज, महाराज. देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट। महाराज, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। इट इज सेड ग्रीड फॉर भक्ति इज द प्राइस टू बी पेड फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस। हाउ वी कैन सी अवर ग्रीड इज करेक्टली एंगेज्ड? तो प्रभु का प्रश्न है कि महाराज, धन्यवाद आपकी कथा के लिए, अद्भुत कथा के लिए। और ऐसा कहा गया है कि भक्ति के लिए, भक्ति पाने के लिए जो हमें कीमत देनी पड़ती है वो है लालच, भक्ति के लिए लालची रहना। तो हम कैसे देखें कि हमारा जो लालच है वो सही तरीके से उपयोग हो रहा है? महाराज, देयर इज अ सेकेंड पार्ट टू द क्वेश्चन विच प्रभु जस्ट पोस्टेड। इज इट पॉसिबल टू अर्न लक्ष्मी विदाउट एनी ऑफ द फॉल्ट्स? तो क्या ये संभव है लक्ष्मी प्राप्त करें लेकिन बिना किसी, यहाँ पे जो अवगुण बताए हैं, बिना उन अवगुणों के? So, how's it possible to know if we're cultivating greed for bhakti? या हाउ टू नो इफ आर ग्रीड इज बीइंग करेक्टली एंगेज्ड? एंड Oh. सेकेंड क्वेश्चन, कैन वी अर्न लक्ष्मी विदाउट एनी Okay, फॉल्ट्स? if our greed is being correctly engaged, we're acting according to regulated principles. We're following instructions of the superior, the spiritual teacher. We're satisfying them, just like our enthusiasm for devotional service. That is very important. That should be there. Our very great eagerness to be engaged in Krishna consciousness, chanting the holy name and worshiping the deities and doing seva. This is a sign that we have a good greed for devotional service, that eagerness to be engaged. तो महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे आपको पता लगेगा आपका लालच सही तरीके से उपयोग कर रहे हो? तो वो हमें देखना पड़ेगा कि आपके लालच सही उपयोग हो रहा है। अगर आपका जीवन जो नियम है, जो हमारे भक्ति के नियम, नियमिक सिद्धांत है, उस पर आप अपना जीवन बिता रहे हो कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा कि फिर हमें पता लगेगा कि हमारा लालच सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं, भक्तों के संग पाने के लिए, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा हमारा जो उत्साह है वो किस चीज में उत्साह बढ़ रहा है। हमारा उत्साह बढ़ते रहना चाहिए भगवान के भक्ति के कार्यों के लिए, भगवान के नाम जप करने के लिए, और अधिक भगवान की सेवा करने के लिए। तो हमारा उत्साह अगर इन भक्तिमय कार्यों के लिए भर रहा है तो फिर हमारा जो लालच है वो सही दिशा में उपयोग हो रहा है। And then the second part was what? इज इट पॉसिबल टू अर्न लक्ष्मी विदाउट एनी फॉल्ट, एनी ऑफ द फॉल्ट्स? Yes, it's possible. हाँ, वो It's संभव है। possible. You have to be Krishna conscious. You have to do good sadhana. You have to chant the holy name very seriously, very carefully, without offense. It's possible to earn Lakshmi without faults. Definitely, you can do it. And you use your Lakshmi for Krishna service. तो बेशक संभव है लक्ष्मी को प्राप्त करना बिना किसी दोष के, लेकिन उसके लिए आपको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, भक्ति में रहना पड़ेगा। और जो धन आप कमा रहे हो इस तरीके से, वो आपको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। तो बेशक संभव है
लक्ष्मी को पाना बिना दोष अपनाए। So we don't mind you earning money, just be sure to use it for Krishna. तो हम इसके विरुद्ध नहीं है कि आप पैसा कमाओ, परंतु ये बात पे ध्यान दे दो कि आप उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। If you don't use it for Krishna, you'll end up using it for doctors and lawyers. अगर आप उसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाओगे तो अंततः वो पैसे को आप वकीलों और चिकित्सकों की सेवा में लगाते रहोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देर इज वन मोर क्वेश्चन इन द चैट महाराज। हरे कृष्ण, हाउ डू वी नो द लाइन बिटवीन नीड एंड ग्रीड? वी फील वी नीड मोर मनी टू फुलफिल अवर नीड्स एंड द नीड्स सीम अनएंडिंग। सो हाउ कैन वी नो, हाउ वी कैन स्टॉप हैंकरिंग? तो प्रश्न है, हरे कृष्णा, हम कैसे समझेंगे कि जरूरत और लालच के बीच में फर्क क्या है, क्योंकि इसके बीच में पतली पतला सा फर्क ही है। तो हमें लगता है कि हमारे को पैसा चाहिए हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए, और हमारी जरूरतें हमें न पूरी होती हुई दिखती रहती हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे और कैसे हम धन के पीछे जो लालच है उसको हम बंद कर पाएंगे? Yes, we want to control our mind and senses very carefully and try to minimize the demands of the body. हाँ, तो हमें हमारे अपने मन और इंद्रिय को ध्यान पूर्वक काबू में रखना है, और हमें जो शारीरिक और मानसिक जरूरतें हैं इनको एकदम कम कम से कम करना है। Yes, that's the challenge. You have to constantly review your situation and see how much you're over collecting and what is actually necessary. So it takes some intelligence. हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। हमें देखते रहना है कि जितना हम जमा कर रहे हैं इसमें से हमारी वास्तविक जरूरत कितनी है, और कितना हम अधिक जमा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भेद करना चाहिए, और इस भेद कर पाने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। Generally, whatever is achieved by honest means, then you can utilize that for the service of Krishna. तो आमतौर पे जो कुछ आप ईमानदारी से कमा सको उतना काफी होता है, और फिर उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। Okay, thank you very much. Thank you, Maharaj, for your mercy today. We pray at your lotus feet to get to understand these deep principles and progress in our bhakti. Thank you very much. हम सभी भक्त महाराज के श्री चरणों में अपने स्थान पे बैठ के वैष्णव प्रणाम करेंगे. वांछा कल तरुभ्य कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमः। नमो जय प्रभुपाद की जय. ताई जय गौर. थैंक यू हरे महाराज. कृष्ण। थैंक यू। जय गोविंद प्रभु. आप महाराज के बारे में कुछ.